कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं, आसमान अभी बाकी है, लहरों का थमना, लहरों का थमना नहीं, समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही, अंदर तूफान अभी बाकी है, अंदर तूफान अभी बाकी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा और आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कुछ मोटिवेशनल टॉक के लिए। दोस्तों, हम सभी अपने कुछ ना कुछ बहाने तैयार रखते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारी परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, जिसकी वजह से हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और बहाने बनाते रहते हैं। लेकिन एक बात ने मेरे जीवन को बदल दिया, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। मैंने सुना कहीं, मैं दुखी था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे। मैंने ईश्वर को लाखों धन्यवाद दिए उस दिन, जिस दिन मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके दोनों पैर नहीं थे। सोचिए, ईश्वर ने हमको कितना कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है, और हम अपने संसाधनों का, अपनी परिस्थितियों का रोते रहते हैं। क्या बहाना बना सकते हैं हम? हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना होगा। हेनरी फोर्ड अशिक्षित थे। एआर रहमान का नाम सुना होगा। एआर रहमान के पिता का देहांत बहुत छोटे पर हो गया था, और इसके बावजूद एआर रहमान का नाम कौन नहीं जानता। अब्दुल कलाम आपने सुना, भारत के राष्ट्रपति, वो गरीब थे, न्यूज़पेपर्स बेचा करते थे। सचिन तेंदुलकर की ऊंचाई कम है, लंबाई कम है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को आज क्रिकेट में कौन नहीं जानता। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो आपने सुना होगा, उनको मंदबुद्धि कहा जाता था, लेकिन आज ये संभव नहीं हो सकता था, ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था बिना इलेक्ट्रिसिटी के। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, सैकड़ों प्रयोग किए, और अंततः थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सभी जानते हैं। रजनीकांत, बड़े एक्टर का नाम आपने सुना होगा, जो कि कंडक्टर का काम करते थे। एक कंडक्टर एक्टर हो सकता है, एक कम लंबाई वाला सचिन तेंदुलकर बन सकता है। अगर आपकी लंबाई कम है और आप ये सोचते हैं कि हमें पुलिस में जाना था और आप नहीं जा सकते, तो मित्रों समझ लेना कि अगर आपकी लंबाई कम है और आप पुलिस में नहीं जा सकते, लेकिन आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी परिस्थितियों का रोना ना रोएं, बल्कि आपके अंदर जो हौसले हैं उनको लेकर चलें और उनको लेकर आगे बढ़ें। ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में एक फ़कीर ज़िंदा रख, हौसलों के तरकश में, कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख। नमस्कार मित्रों।